दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इंडिया में एक नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है अपना टैलेंट, अपना जोक्स, अपना शायरी और अपनी मेहनत की वजह से, और वो नाम है मुनव्वर फारूकी। आज की इस एपिसोड में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है मुनव्वर फारूकी का जर्नी, वो इतना ज्यादा फेमस क्यों है, और क्या उनके जैसे इन्फ्लुएंसर्स को हमें फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं। तो बेसिकली मुनव्वर फारूकी एक मेनस्ट्रीम स्टैंडअप कॉमेडियन, रैपर और एक सिंगर है जिनका जन्म साल 1992 में गुजरात की जूनागढ़ सिटी में हुआ था। वैसे तो उनका फैमिली मिडिल क्लास था, लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते छठी क्लास में ही उनको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। साल 2007 में जब वो बस 14 साल के थे तब उनके अम्मी का डेथ हो जाती है। फिर अपनी मौसी की कहने पर वो मुंबई चले आते हैं। मुंबई आके पहले कुछ साल वो बर्तन की दुकान में काम करता था, लेकिन फिर उनको किसी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर का काम मिलता है। कुछ साल वहाँ काम करने के बाद उनको पता चलता है स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, और ये था उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हुआ था जिस कारण से उनको शोज भी मिलने लगे थे और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो रहा था। उनका इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी के पीछे दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहला है कंट्रोवर्सी। मुनव्वर फारूकी बहुत बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं थ्रू आउट हिज होल जर्नी। ये बात है 2021 का। वो इंदौर के किसी कैफे में परफॉर्म कर रहा था, इसी वक्त बीजेपी के कुछ मेंबर्स ने उनको स्टेज से नीचे लाते हैं और उनका शो वहीं पे बंद करवा देते हैं। उनका कहना था मुनव्वर फारूकी रामायण के ऊपर कुछ जोक किया है। फिर उनके खिलाफ कुछ पुलिस कंप्लेंट्स भी दर्ज किया गया और मुनव्वर को अरेस्ट भी कर लिया गया। कुछ भी गलती किए बिना उनको 37 दिन जेल के अंदर रखा गया, लेकिन वो जब जेल से बाहर आए तब उनको दिखा एक ह्यूज सपोर्ट, क्योंकि लोग उनका कॉमेडी बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और उन सबको पता था कि मुनव्वर को बिन वजह अरेस्ट किया गया है। उसी महीने मुनव्वर यूट्यूब पे एक कॉमेडी वीडियो लॉन्च करते हैं जिससे उनको 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिलता है विथ ट्रेंडिंग नंबर 1। ऐसे ही वो और भी स्टैंड अप कॉमेडी शोज की वीडियोस डालते रहे और इंडिया को कॉमेडी का एक नया सितारा मिला। फिर 2022 में लॉकअप रियलिटी शो और 2024 में बिग बॉस जीतने के बाद उनका करियर का ग्राफ आसमान छू लिया। उनके पॉपुलैरिटी के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज पैशन, जो मुनव्वर को आज मुनव्वर फारूकी बनाया है। 2020 में अपने फादर का डेथ से उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, लेकिन उसके बस 6 दिन बाद वो मुंबई की स्टेज पे खड़ा था अपनी कॉमेडी शो परफॉर्म करने के लिए। उनका ये एटीट्यूड दर्शाता है कि वो कितना सीरियस है अपने काम को लेकर। मुनव्वर को अपना लव अफेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। एक कंटेस्टेंट है मुनव्वर फारूकी, आई हैव अ हिस्ट्री विद हिम, जैसा दिखाते हैं वैसा कहीं से भी नहीं है। दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी, He know how to play with words and girls. लेकिन वो हमेशा अपनी जीत से सबका मुंह बंद करवाया है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। अब सवाल आता है कि मुनव्वर फारूकी जैसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना अच्छा है या फिर बुरा। वेल, हर किसी का एक ब्राइट साइड होता है और एक डार्क साइड। वैसे ही मुनव्वर फारूकी का डार्क साइड यह है कि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा अफेयर्स करते हैं, अपने कॉमेडी शोज में वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी तो रिलीजन के ऊपर भी जोक्स मार देते हैं, ये जानते हुए भी कि इंडियंस रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। मुनव्वर फारूकी नशे भी करते हैं, जैसे हुक्का पीना हो गया। तो ये था उनका डार्क साइड, जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो प्रोबेबली आपको घर से निकाल दिया जाएगा। अब उनका ब्राइट साइड ये है कि वो बहुत ज्यादा मेहनती और प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वो बर्तन की दुकान में काम करने से लेकर ग्राफिक डिजाइन, फिर स्टैंड अप कॉमेडी, फिर रियलिटी शो, फिर गाना बनाना, शायरिया लिखना और अब बड़े स्क्रीन पे एक्टिंग करना, वो अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया है और अभी भी ग्राइंड चालू है। तो अगर आप उनके ब्राइट साइड को फॉलो करते हैं फिर आप उनके लाइफ से इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था मुनव्वर फारूकी का केस स्टडी। ऐसे ही केस स्टडीज, मिस्ट्री स्टोरीज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और हिस्ट्री के बारे में एजुकेशनल वीडियोस हम इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।